गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यूज को फाइंड करना। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट मिलता है जिसमें कुछ वैल्यूज दी होती हैं स्टैंडर्ड एंगल्स पर। इस चार्ट्स को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बिना इसके सीखे आप ये चैप्टर नहीं कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। तो किस तरीके से इस चार्ट को बनाते हैं, कैसे याद रखने की ट्रिक है, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो इसमें हम सबसे पहले रेशोस लेते हैं, जो हमारे पास रेशो होता है। तो सबसे पहले हम साइन रेशो लेते हैं, साइन, तो यहाँ पर साइन थीटा, फिर हम यहाँ पर कोस थीटा, और फिर यहाँ पर टैन थीटा, और फिर यहाँ पर कोट थीटा, और फिर यहाँ पर सेक थीटा, और फिर यहाँ पर हम कितने को क्या लेते हैं, कोसेक थीटा। ये आपको इसी टाइप से लेने हैं, इसी सीरीज़ में आपको रखने हैं ये। और फिर इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स लेते हैं जिस पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं। वैसे तो सभी एंगल्स पर इसकी वैल्यू होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करने वाले हैं जो जिसकी वैल्यू यहाँ पर एब्सोल्यूट होती है। तो यहाँ पर हम इन पर ही बात करते हैं। तो ये जैसे हमारा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, यहाँ पर 90। ये यहाँ पर हम चार्ट को 90 डिग्री तक यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे किस टाइप से बनाते हैं, किस टाइप से वैल्यू फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं। देखो बहुत ईजी है ये चार्ट बनाना। तो इस चार्ट पर हम सबसे पहले साइन की बात करते हैं कि साइन की वैल्यू कैसे आती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, 0/4, 1/4, 30 के लिए, 45 के लिए 2/4, अरे यहाँ ये 4 है, 2/4, और ये 3/4, और ये 4/4 लेना है, और फिर इनका कर देना है स्क्वायर रूट। फिर इन सभी का स्क्वायर रूट कर देना है। अब इनके स्क्वायर रूट करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो सभी साइन की वैल्यू होंगी। जैसे 0/4, 0 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0, तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0। फिर 1/4, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1, और 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2, तो ये होता है 1/2। 2/4 को कैसे सोल्व कर सकते हो, 2 से इसको कैंसिल किया आपने 4 से, तो ये 1/2 आ गया। अब 2 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 1, और 2 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो रूट से 2 बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए रूट 2 ही रहेगा। तो देखो 1 तो आ जाएगा रूट से बाहर, लेकिन 2 नहीं आ पाएगा, तो ये 1/2 रहेगा, 1/√2। फिर 3 रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, तो ये रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 रूट से बाहर आ सकता है, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर 4/4 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए 90 की वैल्यू होती है 1। अब आपको क्या करना होता है, जब आपको साइन की वैल्यू मिल जाए तो फिर आपको सिंपली क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू होती हैं इधर से 90 से वाली वैल्यू होती हैं, इधर से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। कैसे, जो 90 पर वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पर 0 पर रख देंगे, जो यहाँ पर 60 पर रहेगी उसको यहाँ पर किस पर रख देंगे, 30 पर रख देंगे, √3/2। 45 वाली वैल्यू चेंज नहीं होती, यहीं पर रहेगी, ये क्या होगा, 1/√2। और फिर ये वाली वैल्यू इस टाइप से इस कॉलम में आ जाएगी, 1/2, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0। तो आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू लेने के बाद इन वैल्यू को रिवर्स कर देना है, 1/√2/2, 1/√2, 1/2, और 0। ओके, तो ये इस टाइप से हम साइन और कोस की वैल्यू बनाते हैं। अब देखो टेन कैसे वैल्यू बनाते हैं, टेन हमें ऑल्सो, हमें पता है कि टेन ऑल्सो इक्वल होता है, टेन ऑल्सो इक्वल होता है किसके, टेन थीटा ऑल्सो इक्वल होता है किसके, कोस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ये याद रखना, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करते हो तो टेन थीटा की वैल्यू मिलती है। तो इसी टाइप से अगर आप इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे, साइन और कोस को डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर टेन की वैल्यू मिलेगी। तो 0/1 क्या मिलेगा आपको, 0/1 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर 0। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हो तो कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे आपने 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0 आएगा, लेकिन अगर 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। इसको कहते हैं कि नॉट डिफाइन, की 0 से डिवाइड करना डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये 0/1 0 आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1/2 और 1/√2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 मिलेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3। फिर 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। दोनों सेम वैल्यू को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, जैसे 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है, ऐसे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। फिर √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे, √3/2
और किसको डिवाइड कर रहे हो, वन अपॉन टू को डिवाइड कर रहे हो, वन अपॉन टू को डिवाइड कर रहे हो, तो टू से टू कैंसिल, ये वन इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट थ्री डिवाइड बाय वन, या फिर हम कह सकते हैं रूट थ्री, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है रूट थ्री। अब वन को जीरो से डिवाइड करोगे तो अब आएगा आपका नॉट डिफाइन। कभी भी जीरो से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे, अगर आप जीरो अगर आप करते हो वन डिवाइड बाय जीरो, टू डिवाइड बाय जीरो, रूट थ्री डिवाइड बाय जीरो, किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो वो आएगा नॉट डिफाइन। हमेशा याद रखना ये आता है नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होता है। ओके, अब आपको क्या करना है कि एक जब आपके पास एक रो बन जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट रो बनाने के लिए बिल्कुल ऐसी करना जैसे इसमें किया था हमने, रिवर्स कर देना है वैल्यू को। ये वाली वैल्यू इधर कर देनी है, ये वाली वैल्यू इधर कर देनी है आपको, इस वन को यहाँ पर रख देना है, और ये वन अपॉन रूट थ्री, और यहाँ पर ये वन अपॉन जीरो। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वैल्यू वैल्यू उठाकर आपको इस टाइप से यहाँ पर रख देनी है। जैसे फर्स्ट आपकी रो बन गई है, तो ये वाली वैल्यू उठाकर आपको इस टाइप से यहाँ पर रख देनी है कि ये वाली वैल्यू इस तरीके से आपको इस यहाँ पर रख देनी है। जैसे ये वाली वैल्यू बन गई है, इन वैल्यू को उठाकर इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये बन गए हमारे कोट कोट तक का चार्ट हो गया हमारा। अब बात आती है सैग की, कि सैग कैसे बनेगा। अब सैग बनाने के लिए हर एक रो बनाकर आप क्या करते हो, जैसे फर्स्ट रो बनाई तो उसका रिवर्स कर दिया, फिर सेकंड रो बनाई उसका रिवर्स कर दिया, ऐसे ही हम अब यहाँ पर ये थर्ड ये वाली रो बनाएंगे और फिर इसका रिवर्स कर देंगे। इसका ये वाली रो कैसे बनेगी, सैग थीटा। आप देखो सैग ऑल्सो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस का, जैसे आपने ये सीखा था पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो ये साइन कोस टेन, साइन कोस टेन था ये, और ये क्या होता कोट सैक और कोसैक, कोट सैक और कोसैक। तो यहाँ पर सैक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो आप सैक की वैल्यू के लिए कोस की वैल्यू को ले सकते हो, कैसे, सैक ऑल्सो इक्वल होगा वन अपॉन कोस के, तो वन अपॉन कोस कर दो आप, वन अपॉन कोस सीटा कर दो, जो भी वैल्यू मिलेंगी आपको वो सैक की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे वन इसको वन अपॉन कोस करना है आपको, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको क्या रखना है, जैसे आपको क्या रखना है वन अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा इक्वल हो गया हमारा वन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, वन है, तो यहाँ पर वन अपॉन वन करेंगे तो वन आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, रूट थ्री अपॉन टू है, तो वन डिवाइड बाय रूट थ्री अपॉन टू करेंगे तो टू सबसे ऊपर आएगा, ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। ओके, फिर इसका रेसिप्रोकल, या फिर हम कह सकते हैं इनका रेसिप्रोकल कर दो, या फिर हम कह सकते हैं इनका रेसिप्रोकल कर दो, वन का रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पर किसका, क्योंकि साइन कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल रेसिप्रोकल करना है। सेक के लिए इसका रेसिप्रोकल करना है कोस का, तो रेसिप्रोकल कर दो, वन का रेसिप्रोकल वन, क्योंकि वन के नीचे आप वन लोगे, रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू अपॉन वन, वन आप लिख भी सकते हो नीचे नहीं भी, ऐसे ही वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन वन, इसको हम टू ही लिखेंगे। ऐसे ही वन का रेसिप्रोकल देखो, वन के नीचे हम जीरो के नीचे हम वन लेंगे, और वन डिवाइड बाय जीरो आएगा नॉट डिफाइन। फिर आपको क्या कर देना है, इन वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रिवर्स कर देना है, ये यहाँ पर और ये टू, ये रूट टू, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, या फिर इसे देखने के लिए आप साइन की वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, साइन की वैल्यू का भी रेसिप्रोकल करते हो, क्योंकि साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं तो बिल्कुल सेम यही वैल्यू मिलेंगी, देखो यही वैल्यू मिलेंगी, रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमें यही वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर टू अपॉन रूट थ्री और यहाँ पर आ जाएगा वन। तो ये इस टाइप से यहाँ पर हम चार्ट बनाते हैं, तो ये चार्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर पाएंगे। तो ये आपको चार्ट याद रखना है, तो इस टाइप से हम चार्ट को बनाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी हम ये वाला चार्ट सीखेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, फिर हम आगे आपके लिए एक्सरसाइज लेके आएंगे चैप्टर नंबर 23 की। ओके, थैंक यू।